नमस्कार। आज मैं आपको क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत एनर्जी मॉडल से जुड़े। बहुत जल्दी एक ऐप लेके हम आ रहे हैं जो आपको एनर्जी मॉडल के बतौर जो है संकल्पित करने में मदद करेगा, जो आपको आपके विभिन्न जो फैसेट्स हैं, चाहे आप कहीं विद्यार्थी रहे होंगे, उसके एलुमनाई होंगे, किसी प्रोफेशन से जुड़े होंगे, किसी सेवा से जुड़े होंगे, समाज सेवा से जुड़े होंगे, सामाजिक संगठनों से जुड़े होंगे, एनजीओ से जुड़े होंगे, आप जो कुछ भी फील्ड के हों, जिस फील्ड के भी हों, उन सभी फैसेट्स के आपके जो ग्रुप हैं उनके लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको वो एनेबल करेगा कि आप उनसे जो है संपर्क कर पाए। आप जिनको चयनित करेंगे उनको वो मैसेज भेजेगा और उनको जो है ना आपसे कनेक्ट करेगा, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करेगा, आपका फेस टू फेस मीटिंग अरेंज करेगा। इस प्रकार जो है हर ऊर्जा केंद्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने में मदद करने के लिए एक क्राइम फ्री भारत एनर्जी ऐप जो है शीघ्र ही जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब तक गूगल प्ले स्टोर पर यह क्राइम फ्री भारत सीएफबी ऊर्जा ऐप जब तक उपलब्ध नहीं होता है, तब तक कृपया आप जो है यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करें। और आप यूट्यूब चैनल में नीचे जाएंगे और जिन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया है, यदि आप उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखने लग जाएंगे, और आप उस क्राइम फ्री भारत चैनल को टिक करेंगे तो अब तक के जितने भी वीडियोज ऑडियोज हैं वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, वो आप उन्हें देख पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें देखिए और उसमें अपने कमेंट्स लिखिए। आपके जो कमेंट्स हैं उनके आधार पर जो है जो कुछ भी जो है संभव है वो सब कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत लीगल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे 53 इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से क्राइम फ्री भारत का सीधा एमओयू है और ढेर सारे बच्चों ने क्राइम फ्री भारत के साथ इंटर्नशिप की है, मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और इवन हार्डवेयर भी डेवलप किए हैं जिसके माध्यम से हम क्राइम फ्री भारत के काफी कुछ नजदीक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत से पहले हमें एनर्जी मॉडल के माध्यम से सही मायने में जो आज हम गुलाम हैं उस गुलामियत से बाहर निकालने की व्यवस्था करना होगी। हमें एक ऐसा तंत्र स्थापित करना होगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी विहीन प्रजातंत्र, ये ड्यूएबल है, अपराधी विहीन राजनीति, ये आसानी से पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में आवश्यक संशोधन करके ये दोनों चीजें बहुत आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तीसरा बड़ा नासूर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है, चुनाव के खर्चे का है। ये दोनों चीजें हम बड़ी आसानी से, आप हमारा वीडियोस देखिए जिसमें हमने चुनाव विहीन सॉरी खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को समझाया है कि कैसे काम करेगी, और इसके माध्यम से हम पहले लेजिस्लेचर को चुन पाएंगे और उसी समय सेकंड राउंड से चुने हुए लेजिस्लेचर जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट में बैठेंगे लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं होगा, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के प्रश्नों के जवाब को देने के लिए पहुंचे। और दूसरा उनका जो बड़ा काम रहेगा वो रहेगा रहेगा कि मैं थोड़ा सा जो है तारतम्य मिस कर रहा हूं, तो जो उनका बड़ा काम रहेगा कि कैसे जो है वर्तमान व्यवस्था को जो है बदलें, और ये जो है
वो बहुत आसानी से ऊर्जा केंद्र के माध्यम से कर पाएंगे। अब मैं आपको आज ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा। इसमें सभी लोग, सभी जातियों के, सभी धर्म के, सभी व्यवसाय के, सभी प्रोफेशन के लोग जुड़ सकते हैं, जो शासकीय सेवा में हैं, जो सेवा में नहीं हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ये सभी लोग जुड़ सकते हैं। और आज जो है उनको जो आज की अव्यवस्था के कारण उन्हें जो समस्याओं का जो है ना पालन का जो है ना झेलना पड़ रहा है, जहां उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो न्याय जो है यह ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था उनको दिलाएगी। अब हम आपको ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी होती है। आज के माहौल ने चारों तरफ इतनी नकारात्मकता फैला दी है, इतना विष फैला दिया है कि वह ऊर्जा सुप्त प्राय हो गई है। आज हमारा जीवन निराशा, बेबसी और हताशा से घिरा हुआ है। हमारे अंदर जो है सकारात्मकता खत्म सी हो गई है। लिहाजा जब हम संकल्पित होकर अपने ऊर्जा को जगाएंगे और संकल्प के साथ उस ऊर्जा से, जो कि ढेर सारे जो है ना ऊर्जा नेतृत्व करने वाले वीडियोज, ऑडियोज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उनका भी आप उपयोग और मदद कर सकते हैं। और हम इस ऊर्जा के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह मैं समझाना चाहूंगा कि एक यह चुंबक की शक्ति, जैसे ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ मामला है। जब आप ऊर्जाकृत होंगे और अपने प्रभाव क्षेत्र के में जाएंगे, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में स्थित जो लोहे के पदार्थ हैं, जो लोहे के व्यक्ति हैं, जिनमें वह क्षमता है, उनके बिंदु जो है हर पार्टिकल नॉर्थ साउथ रियलाइन होकर वो चुंबकीय कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही जो है चुंबकीय हुए जो ऊर्जा केंद्र फिर अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे, तो वो भी ऊर्जाकृत हो जाएंगे और बिना समय गवाए ये श्रृंखला बन जाएगी और ऊर्जा केंद्रों का जो है एक समूह पैदा होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ जो है लोग ऊर्जा केंद्र नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो पत्थर तुल्य हैं। तो जब हम पत्थर की बात करते हैं, तो क्या हम चुंबकीय ऊर्जा से इन पत्थरों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे? संभवतः शुरू में नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगे चल के निश्चित रूप से यह पत्थर पाषाण महा ऊर्जा केंद्रों में कन्वर्ट होंगे। सुविधा के लिए हम इन पत्थरों को दो भागों में बांटना चाहेंगे। पहले वो लोग वो हैं जो आज की कुव्यवस्था से धन लाभ कमा रहे हैं, अर्थ लाभ कमा रहे हैं, और वह इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे। क्योंकि वह इस व्यवस्था अव्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे, लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर तुल्य है। और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो कि इतने निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उन्हें लगता है कि इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के साथ संभवतः इस देश में कुछ भी होना संभव नहीं है, लिहाजा वो भी Type 2 पत्थर बन गए हैं। ये दोनों पत्थर जो है समय आने पर महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे। इसका जो जब मैं उदाहरण खोजता हूँ, तो मुझे डकैत वाल्मीकि जी की बात याद आती है कि जब डकैत वाल्मीकि ऋषियों के संपर्क में आए और ऋषियों ने उन्हें ऊर्जाकृत किया, तो वो डकैत से महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की जो है रचना की। लिहाजा यह पत्थर समय आने पर, चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होने पर यह महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि देखा जाए कि कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से यही बात कहने की कोशिश की है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो हम ऊर्जा केंद्र के माध्यम से लोगों को जो है ऊर्जाकृत करते हुए और एक बड़ा जो है ना परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो जब चारों तरफ से ऊर्जा होगी, तो कबीरदास जी का जो है कि
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। इस तर्ज पर सभी पत्थर जो है वो महाऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप ऊर्जाकृत हो गए, आपने संकल्प ले लिया, ऐप के माध्यम से ऐप आपकी मदद करेगा, आपको संकल्प लेने में मदद करेगा, ऐप आपको मदद करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र बन गए हैं। वह आपसे आपके विभिन्न फैसेट्स में और उनके ग्रुपों की जानकारी अपलोड कराने में मदद करेगा, आपसे प्रायोरिटाइजेशन करा के उसको SMS भेजेगा, उसको टेलीफोनिक कनेक्टिविटी जोड़ेगा और आप जो है वो फैसिलिटेट करके वह कोशिश करेगा कि कम समय में आप अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी फैसेट से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे आप ऊर्जाकृत कर पाएंगे। और जब यदि हम संकल्पित होकर ये काम करें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा सवाल केवल संकल्प लेने की है, सवाल संकल्प के साथ से अपना काम करने की है, बाकी चीजों को आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यह अपने आप घटित हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र बन गए, इससे आपका क्या भला होगा, ये ऊर्जा केंद्र कैसे काम करेगा? तो पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये ऊर्जा केंद्र हैं इनको कोई नेगेटिव काम नहीं करना है, ना इनको कोई चक्का जाम करना है, ना इनको कोई रोल रोको करना है, ना कोई इनको धरना देना है, ना इनको किसी जुलूस में जाना है, ना इनको जंतर मंतर में जाना है। तो कोई भी जो है सत्ता में बैठी हुई शक्तियां अपने गुंडे मवालियों को भेजकर कोई घृणित काम नहीं करा सकती हैं, कोई उपद्रव नहीं करा सकती है, आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई हानि नहीं है। आप जब अपने जुड़े लोगों को, क्योंकि आप ऊर्जा केंद्र हैं, आप प्रचार केंद्र नहीं हैं, तो आप अपने प्रभाव क्षेत्र के, अपने डिफरेंट फैसेट्स के प्रभाव में जो भी लोग हैं उनको सूची बनाकर आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आप उनसे चर्चा करेंगे, किसी से फॉर टेलीफोनिक बात करेंगे, किसी से फेस टू फेस बात करेंगे और उनको ऊर्जा केंद्र बनाकर उनको संकल्पित करेंगे। और जैसे अभी तक जो है वो ऐप आपकी मदद कर रहा था, ऐसा आपने जिसको ऊर्जा कृत करेगा किया उसको भी वो मदद करेगा। लिहाजा इस क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा ऐप की सपोर्ट से हम बहुत ही कम समय में 9-10 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, थाली रूपी शंख बजाएंगे और दीपक जलाकर, और दीपक जलाएंगे तो पूरी पूरे भारत में जो है ना दीपावली बन जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। और क्राइम फ्री भारत के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे वीडियो, उसके माध्यम से वो अनुनय विनय प्रार्थना अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कर पाएंगे और चुने हुए प्रतिनिधि से यह अनुरोध करेंगे कि वह उसके आधार पर आवश्यक है कानून बनाए। यदि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं मानते हैं तो आपने जिन लोगों को ऊर्जाकृत किया है यदि वह संख्या 1000 तक पहुंचती है तो आप महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊर्जा के लोगों को ऊर्जाकृत करते जाएंगे तो आपकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी। लिहाजा ऐसे सभी महा ऊर्जा केंद्र जिनकी पोटेंसी ज्यादा है उन्हें बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से MLA और MP के पद के लिए खड़ा किया जाएगा और फिर उन्हें ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के जिताया भी जाएगा। और आज जो बड़ी शक्तियां बनी हुई हैं, जो पैसे बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, फ्री भी बांटती हैं, वह पराजित होंगी। उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी और ये जो आज की जो राजनीति के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो स्वतः विलुप्त हो जाएंगे। मैं एक बार पुनः पूरे देश के भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर एक्सेट्रा सभी में उपस्थिति अवेलेबल है, कृपया उसे फॉलो करें। और जैसे ही इसमें ऐप अपलोड होता है तो आप जो है ना उसे ऐप को अपना डाउनलोड करें जिससे कि आप ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को जो है ऊर्जाकृत कर पाएंगी
अपने प्रभाव क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को ऊर्जा करके उनको एक उसमें जोड़ पाएंगे, और इसके माध्यम से आपको जो बैकएंड सपोर्ट मिलेगा आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। और यदि इन्होंने हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को नहीं माना तो हम इन्हें बिना चुनाव प्रचार के पराजित कर पाएंगे, और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वो सब नियम कानून और टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाकर हम अपने देश को जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र बना पाएंगे, अपराधी विहीन राजनीति बना पाएंगे, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जिसमें लेजिस्लेचर और उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अलग अलग चुनाव की व्यवस्था होगी वो कर पाएंगे, साइबर क्राइम फ्री भारत और क्राइम फ्री भारत कर पाएंगे, और साइबर क्राइम पर क्राइम फ्री भारत तो 3 से 6 महीने के अंदर कर पाएंगे, और 2 साल के अंदर हम पेपर करेंसी मुक्त भारत भी बना पाएंगे, और 2% की ट्रांजेक्शन फीस को के आधार पर हम आज की तुलना में 10 गुना, 4 से 10 गुना ज्यादा जो है धन जो है इकट्ठा कर पाएंगे, जिसके माध्यम से हम बेहतर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ना प्रोवाइड कर पाएंगे, और एक नई व्यवस्था बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब जो है ना स्थित कर पाएंगे। हम आगे चल के पेपर करेंसी मुक्त भारत पैदा करेंगे, जिससे कि ना तो हवाला होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार संभव होगा, ना ड्रग और नारकोटिक माफियाज होंगे, ना हथियार माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना टेररिस्ट होंगे, ना किसी तरीके के जो है ये नेगेटिव टेंडेंसियां होंगी। हम ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। आपसे आपको कुछ खोने के लिए नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है, आपको नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई करने जो ना नहीं करना पड़ रही है, लिहाजा आओ हम सब 137 करोड़ भारतवासी इस व्यवस्था से जुड़ें और संयुक्त ऊर्जा से अपने देश को जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करें, एक निरोगी एंड दीर्घायु भारत के रूप में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।